सैन्य हमलों से बौखलाए आतंकी संगठन आईसिस ने सीरिया में रासायनिक हमला किया है। इस हमले में विद्रोही सेना के 22 लड़ाके घायल हो गए हैं। तुर्की सशस्त्र बलों की माने तो आईसिस के रासायनिक हमले में इस्तेमाल किए गए रॉकेट में क्लोरीन पाई गई है। मिचलियाना और सिरदर्द रासायनिक हमलों के लक्षण होते हैं। इस हमले के बाद रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी हथियारों से घायल हुए तुर्की समर्थित सीरियाई विद्रोहियों को किलिस प्रांत के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हालांकि आईएस पर पहले भी रासायनिक हमला करने का आरोप लग चुका है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने बीते दिनों ही चेतावनी दी थी कि यूरोप में आईएसआईएस रासायनिक हमला कर सकता है। सेना पर किए गए रासायनिक हमले से तो साफ हो जाता है कि आईएसआईएस भविष्य में कितने खतरनाक हमले कर सकता है। हालांकि सीरिया में छिड़ी जंग में आईएसआईएस की जमी जड़ें दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।